assalamu alaikum my youtube family hope you all are doing good and great uh, i am good as well alhamdulillah aap sabki duaon se. and we are here with another vlog with this beautiful view jo mere apartment se nazar aata Ham log कुछ स्पेशल इसलिए था क्योंकि आज हमारी अफतारी थी एक जगह पे मेरे हस्बैंड की जो एक्स क्लीग हैं इज़ बंगाली अलहमद और उन्होंने हमें इनवाइट किया था अफतारी पे तो हम जो है ना वो निकल गए थे अफतारी के लिए हमें बाय ट्रेन जाना था तो हमने इस तरह प्लान किया था कि हम जो है वो जल्दी जल्दी पहुंच जाएंगे क्योंकि आपकी बहन जितनी भी अफ्तारियाँ अटेंड कर चुकी है सभी में लेट पहुंची है चाहे वो मामू की तरफ हुई या इनके एक और दो एक दो कलीग्स हैं उनकी तरफ हुई तो हमने लेट होने का रिकॉर्ड जो है वो कायम किया तो हम चाह रहे थे कि हम यहाँ पे जल्दी पहुँचें तो हम अपने जो है ना वो टाइम से पहले ही निकल गए थे आई गेस एक घंटा पहले ही निकल गए थे ये हम अपने स्टेशन बार्किंग के जो स्टेशन है वहाँ से ट्रेन पकड़ते हुए के मनाजिर आपको दिखा रहे हैं सुनते हुए कानों और बोलती हुई ज़ुबान से इस अनिका का सलाम तारिक अज़ीज़ का चाइना वाला जो है ना वो वर्जन आपकी पेश खिदमत <laughs> ये हम ट्रेन में बैठ के हम लोग जा रहे थे यहाँ के ट्रेन का जो है ना वो सीन बहुत बहुत ओके okay है मतलब मज़ा आ जाता है मज़ा ही आ जाता है दो तीन मिनट में बंदा कहीं से कहीं पहुँच जाता है ये हम दैन हम ही के स्टेशन पहुँच चुके थे जिसके स्टेशन को बहुत काम की ज़रूरत है इसकी छतें देखें किस तरह आपको ना नज़र आ रही हैं खस्ता हालत में और ये टनल सा जो बनाया हुआ था इन्होंने यहाँ से हम लोग गुजरते हुए अपना चेकआउट किया हमने और हम लोग जो है ना वो निकल आए तबीयत थोड़ी नासाज चल रही है मेरी अल्लाह खैर ही करे बड़ी बात है मैंने आती ही जो है ना वो अलहमदिल्ला बीमार नहीं हुई लेकिन आपकी बहन बीमार ना हो ऐसा हो नहीं सकता होने नहीं, नहीं था <laughs> खुद ही खुद ही बोल के खुद ही हंस रही हूँ होता है ऐसा ऐसा होता है ये देने थे कि जो है ना वो रोड्स आपको नजर आ रही हैं मस्त माहौल थे मिठे चौल वाला सीन खुले रोड ए वन जो है ना वो जो मार्केट बनी हुई थी यहाँ पे रोड्स मुझे यहाँ के बहुत अच्छे लगे मुंह को नहीं आ रहे थे <laughs> वरना जो मैं इससे पहले नहीं स्टोड के भी आई थिंक सही थे रोड एक दो जगह गई थी वो बिल्कुल मूँग को रोड आ रहे थे मतलब गाड़ियाँ भी मुँह को आ रही हैं रोड भी मुँह आ रहे हैं घर भी मुँह आ रहे हैं लोग भी मुँह आ रहे हैं यहाँ पे आपको ना बहुत अलर्ट होके चलना पड़ेगा यहाँ पे क्या मतलब आप कहीं भी पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं तो अपने आँख दिमाग कान सब कुछ खोल के जाएँ अपने अगले पीछे गमों को भुल के जाओ तुम चाह रहे हो कि तुम खुश रहो ओ की गल कहती थोड़ी भैन ने पैन दो मैंने और <laughs> खैर ये जो है ना हम आपको दिखा रहे हैं वो मनाजिर जो आप देख सकते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीनस पे या टैब पे अगर आप देख रहे हैं मुझे तो टैब की स्क्रीन पे भी देख सकते हैं ये वो मनाजिर हैं जहाँ पे जहाँ पे इनकी गली का घर था जी हाँ बिल्कुल ये कुछ घर मुझे पसंद आए यहाँ पे और मैंने हस्बैंड को बोला ये 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 एरिया भी अच्छा है ये देखिए टुटप इधर भी होती है यहाँ पे आपको मिलेगी यहाँ पे आपको जो है ना वो लोगों ने अगर एक्सटेंशन करवा के परमिशन ले के अपने घर बनाए हैं तो यहाँ पर जाए ऑबियस सी बात है ना मतलब काम तो हर जगह होता है और ये जो सामने सीधा रोड नज़र आ रहा है ना हमने इसके कॉर्नर पर पहुँच के इससे लेफ्ट जाके हमारी आनी थी और हमें पहुंचना था और मुझे रोज़ा नहीं लग रहा था लेकिन आज आज मुझे रोज़ा लग रहा है ये वीडियो बहुत पुरानी है बहुत पुरानी नहीं है मतलब हो गया कोई आई गेस एक दो वीक्स तो हो ही है अपलोड हम बहुत लेट कर <laughs> यहाँ के क्लाउड्स है ना आपको देखने में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह है भी अल्लाह के हर माशाल्लाह मतलब अल्लाह के हर चीज़ में खूबसूरती है लेकिन सर्दी बहुत है सर्दी मुझे लग रही है आपकी बहन को माशाल्लाह कराची की सर्दी लगती थी तो खैर यहाँ पे तो लगेगी ठंडी हवा मुंह को आती है और एकदम ना मतलब आप सुन हो जाते हो कि ये क्या हो गया मेरे साथ और ये देखें ये देखें ये देखें, ये देखें बारिश का पानी यहाँ पे भी खड़ा होता है जी हाँ और यहाँ पे ना आप हम पहुँच गए थे लेकिन हमने ऊपर जो है ना वो ये व्यू देखा और मुझसे रहा नहीं गया कि मैं अपने व्लॉग में ये व्यू लेके आऊँ चेक करें आप अपनी बहन को क्या एरियल व्यू बनाया आपकी बहन ने लेकिन हम उस जगह आ चुके थे जहाँ हमें अफतारी अपनी फड़कानी थी <laughs> और और हम लोग जो है ना वो अलहमदिल्लाहमदिल्ला पहुँच गए थे अपनी मंजिल की तरफ और ये खूबसूरत सा घर उनका और ये मेरे हस्बैंड आपको नजर आए हैं थोड़ी सी झलकी और ये इनका बेटा था और अलहमद जो है ना वो बहुत अच्छी इन्होंने अफ्तारी अरेंज की थी हमारे लिए और इनका जो बंगाली डिशेस थी इतनी मज़े मज़े की चने की चाट को आई गेस बूट बोलते हैं और प्याजू पकौड़ों को और इतने इतने डिफरेंट पकौड़े थे हलीम था इनका जिस जो मैं वीडियो में नहीं ला सकी अपनी और ये ओट्स का आई गेस कोई खीर बनाते हैं वो भी बहुत मज़े की थी वो भी मैं वीडियो में लेके आई मतलब अफतारी में ये चीज़ पफ की तरह की थी अफतारी में इतना कुछ था कि हमें खाने में बिल्कुल जो है वो गुंजाइश नहीं रही थी हमारे पास ये लस्सी भी थी और ये हैमस्टर साहब भी थे हमारे साथ एक जो कि इस बिल्ला की शान है आन है मान है ये इनका पेट जो कि एक फीमेल है इससे पहले इनके हैमस्टर मेल साहब थे जिनकी डेथ हो चुकी अल्लाह उनकी मुखरत फरमाए ये बहुत क्यूट थे और इनका घर भी बहुत क्यूट था और ये बस खाने पीने की तलाश में इनको खाना डाला गया था और ये अपना खाना जमा करके अपने कमरे में जाके खाने के वेट में थे और मुझे देख भी रहे थे कि मैं इनको कुछ कहूँ ना ये बहुत तेज़ नखरे है होते हैं ना फीमेल्स के नखरे होते हैं अपने खैर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आया यहाँ पे बहुत अच्छी गपशप रही अफतारी रही और हम लोग लेट भी काफ़ी हो गए उनको भी बहुत तंग किया बिठा बिठा के हम लोगों ने लेकिन अलहमदिल्ला हमारा आज का दिन बहुत अच्छा गुजर गया होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो अगर पसंद आई पसंद आई हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू तो माई यूट्यूब चैनल अपना ख्याल रखिएगा अपनी बाजी को बहन को दुआ में याद रखिएगा